श्याम जी जी, बूझिए एक पहेली, बिल्कुल नई नवेली। बताइए। बातों बातों से बनती है बात, और बातों के बक्से से निकलती है गीतों की सौगात। ठीक है, तो बूझे। अरे नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, थोड़ा गौर से सुनिए। बातों बातों से बनती है बात, और बातों के बक्से से निकलती है गीतों की सौगात। और इस महफिल में होते हैं एक सखा और एक सहेली, तो बूझिए अब पहेली। तो ये है हमारी मनभावन रंगोली। स्वागत है आप सभी का रंगोली में। स्वीकार कीजिए रेणु चतुर्वेदी और जी श्याम का नमस्कार। मोमिन साहब ने क्या खूब कहा है। क्या बात है, आप बड़े शायराना अंदाज में हैं। जी जी, सामने से जब वो शोख दिलरुबा आ जाए है, वाह 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 वाह, थामता हूं पर ये दिल हाथों से निकला जाए है। क्या बात है, क्या बात है। और जनाब श्याम जी, जरा आप फरमाएंगे, जब दिल हाथों से निकला जाए तो क्या होता है? तो मोहतरमा रेणु जी जी, अच्छा होगा अगर आप पूछिए कि दिल हाथों से निकल जाए तो क्या नहीं होता है। क्या बात है, मतलब लगता है कि आप जैसों के लिए ही गालिब साहब फरमा गए हैं। क्या फरमा गए? इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। है ना? इश्क में डूबा, सच बोल रही हैं आप, और गालिब साहब ने भी सच कहा है। बिल्कुल। और सच तो ये भी है कि इश्क में डूबा इंसान और कर ही क्या सकता है दीवानगी के सिवा। और दीवानगी छुपती नहीं, किसी न किसी तरह जाहिर हो ही जाती है। अब देखिए, जैसे संगम फिल्म के इस गीत में हो रही है। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं, एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं, चाहत का दस्तूर है लेकिन आपको ही मालूम नहीं। जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। बिसरी यादें मिलने हंसते गा
तब इन आँखों का शर्माना जाएगा, दीवाना टुकड़ों में पहचाना जाएगा दीवाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा दीवाना। अपनी अपनी सबने कह ली, लेकिन हम चुपचाप रहे। दर्द पराया जिसको प्यार, वो क्या अपनी बात कहे। खामोशी का ये अफसाना रह जाएगा बाद मेरे। अपना के हर किसी को बेगाना जाएगा दीवाना, सैकड़ों में पहचाना जाएगा। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा दीवाना, सैकड़ों में पहचाना जाएगा दीवाना। रेणु जी, जी 1965 में देवानंद वहीदा रहमान स्टारर फिल्म गाइड आई थी, बिल्कुल, जिसने 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स पर कब्जा जमा लिया था। अरे भाई क्यों ना हो, इस फिल्म का हर पहलू लाजवाब था। कहानी हो, संगीत हो, सिनेमेटोग्राफी हो, निर्देशन हो, या फिर भाई एक्टिंग। देव आनंद साहब को बेस्ट एक्टर और वहीदा रहमान जी को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, और साथ में विजय आनंद जी को बेस्ट डायरेक्टर का और गाइड फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। और देखिए ना, आज ये कल्ट फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में वहीदा रहमान जी ने एक डांसर रोजी की भूमिका निभाई, जिससे देव आनंद यानी राजू गाइड का साथ मिलता है। वहीदा रहमान जी इंडियन क्लासिकल डांस में निपुण है, तभी तो उन्हें ये भूमिका मिली थी। तो क्यों ना ये गीत सुन लिया जाए। बिल्कुल। मुझसे छल, मुझसे छल, मुझसे छल, ये जाए, हाय
लुधियानवी साहब ने क्या खूब कहा है, क्या खूब कहा है। हर तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें, हर तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें, शबनम कभी शोला कभी तूफान है आंखें। बात तो बिल्कुल वाजिब है रेणु जी, आंखें तो हमारे दिल की मैसेंजर होती हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा होता है वो बाहर सबको बता देती है। बिल्कुल सही बात है, हमारे मन की आशा निराशा एक एक चीज की खबर दुनिया वालों को दे देती हैं ये आंखें। जब दो चाहने वाले जुदा हो जाते हैं तो आंसुओं में डूब जाती हैं आंखें। और अगर जुदाई पिछले जन्म की हो तो श्याम जी? सोचना पड़ेगा। अरे भाई सोचने की क्या जरूरत है, महबूबा फिल्म में दिखाया गया ना, और ऐसे में तो विरह में मन जलता है और आंखों में सावन भादो उतर आते हैं।
घुंघरू की थमथम बन गई मैं कह रही थी कि लड़कियां चाहे मोहब्बत करें या ना करें, अच्छा लड़कों को मोहब्बत जरूर करना चाहिए भाई। ये क्या बात हुई? हाँ, वो इसलिए कि देखिए मान लीजिए किसी से आपने मोहब्बत की तो भाई दो ही बातें होंगी ना। दो बातें? हाँ भाई, या तो आप कामयाब होंगे या कामयाब नहीं होंगे। हाँ, अगर कामयाब हो गए तो जिंदगी संवर जाएगी, घर खुशियों से भर जाएगा, यही ना? बिल्कुल। और नाकामयाब हो गए तो? ना कामयाब हो जाएंगे तो फिर भी अच्छा ही रहेगा, बड़े शायर या कवि बन जाएंगे। और फिर अपने दर्द दिल से दूसरों को भी रुलाएंगे आप। रहने दीजिए, इस झमेले में पड़ना ही नहीं चाहिए। दिल का सुख चैन लूट जाता है और फिर सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, पहले ही समझ जाना ठीक है। करते रहे सौदा बहार का बदला दिया तो क्या ये दिया उनके प्यार का। कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। दिन में अगर चराग जलाए तो क्या किया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। हम बदनसीब प्यार की रुसवाई बन गए, खुद ही लगा के आग तमाशाई बन गए, तमाशाई बन गए। दामन से अब ये शोले बुझाए तो क्या किया, दिन में अगर शराब जलाए तो क्या किया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया।
तो क्या किया, दिन में अगर शराब जलाए तो क्या किया, सब कुछ लुटा के होश में आए। रेणु जी, 1965 में एक त्रिकोणीय लव स्टोरी थीम वाली फिल्म आई थी भीगी रात। बिल्कुल। मुख्य भूमिकाओं में थे अशोक कुमार, मीना कुमारी और प्रदीप कुमार। नीलिमा यानी मीना कुमारी अपने लालची चाचा के चंगुल से छूटकर आनंद यानी अशोक कुमार के घर में पनाह पाती हैं। संयोग कुछ ऐसा होता है कि अजय यानी प्रदीप कुमार से नीलिमा का मेलजोल बढ़ता है और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। और इधर आनंद भी नीलिमा की वो जो परवाह करने वाला स्वभाव होता है उसके कारण उसे चाहने लगता है। और जब ये बात नीलिमा को पता चलती है तो उसके दिल में एहसान और मोहब्बत के बीच एक जंग छिड़ जाती है। फिल्म में कई ट्विस्ट और टर्न्स हैं जिसके कारण कई बार गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन अंत में नीलिमा और अजय एक हो जाते हैं। तो सुनते हैं भीगी रात फिल्म का ये गीत। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई। दिल जो न कह सका में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म आशा, जिसमें मुख्य भूमिका निभाई जितेंद्र और रीना रॉय ने, और रामेश्वरी जी भी थी उसमें। जी हाँ, और इस फिल्म का डायरेक्शन किया था जे ओम प्रकाश जी ने। इनके काम और व्यवहार की तारीफ खुद रीना रॉय जी ने अपने एक इंटरव्यू में की थी। जी हाँ, और किसी से भी परफेक्ट काम करवा लेने का हुनर तो उनमें था ही,
तो अभी एक 6 साल के बच्चे का डांस भी शूट कर लिया आशा फिल्म के एक गाने के लिए। जी हाँ, और ये बच्चा कोई और नहीं था, आप गेस कर सकते हैं कि कौन रहा होगा या कौन है? देखिए ऐसा है, आप बताना चाह रहे हैं आप बताइए। जी हाँ, मैं बता देता हूँ, बिल्कुल बता देता हूँ, वो है आज के सुपरस्टार ऋतिक रोशन। तो अब पेशे खिदमत है आशा फिल्म का सबसे लोकप्रिय गीत जो हमें एक जिंदगी का फलसफा भी दे जाता है। Thank you.
रेणु जी जी, 1973 में आई शशि कपूर और शर्मिला टैगोर स्टारर फिल्म आ गले लग जा, जिसकी कहानी किसी फेरी टेल यानी कि परी कथा से कम दिलचस्प नहीं है। जी हाँ, ये पहली नजर में हो जाने वाला प्यार था, लव एट फर्स्ट साइट। प्रेम यानी शशि कपूर, प्रीति यानी शर्मिला टैगोर की एक झलक से ही दीवाने हो जाते हैं। बस फिर क्या था, प्रेम शिमला की सड़कों की खाक छानता है प्रीति से मिलने के लिए, और मुलाकात होती है एक स्केटिंग रिंग में जहां फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। प्रीति यानी शर्मिला टैगोर लैला की रेड ड्रेस में है और उनका पेयर नहीं बन पा रहा है। तभी एंट्री होती है हमारे हीरो यानी शशि कपूर की, मजनू के रूप में। वो अपने प्रेम का इजहार करते हुए कहते हैं, ठहरो मेरी जान, वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। के मुझे ये कह दो, भीगे लबों की नरमी मेरे लिए है, ओ जवान नजर की मस्ती मेरे लिए है, हंसी अदा की शोखी मेरे लिए है। मेरे लिए लेके आई हो ये सौगात, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ।
वाकई है, लेकिन जहां में कोई तुमसी हसी नहीं है, हम क्या करें। तो देना होगा दे दो मेरा था, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। वो नहीं देखो जरा पीछे रखो हाँ, जहाँ तुम हो जहाँ मैं भी हूँ। जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। रेणु जी, फैज अहमद फैज साहब का एक शेर अर्ज किया है। इरशाद इरशाद। आपकी याद आती रही रात भर, आपकी याद आती रही रात भर, चांदनी दिल दुखाती रही रात भर। क्या बात है, क्या बात है, फैज साहब का ही शेर है। तुम्हारी याद के जब जख्म भरने लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं, कमबख्त ये यादें न चैन से सोने देती हैं न जागने देती हैं। सच में किसी के विरह में दिल का तड़पना क्या होता है, ये तो सिर्फ विरह के मारों को ही पता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक ऐसा ही विरह गीत है जो शायद हर टूटे हुए दिल को लगता है, लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। दो बदन फिल्म के इस गाने को सुनकर सुनने वाले को लगता है जैसे कि उसी के दर्द का बयान हो इस गीत में। Thank you.
श्याम जी जी, हम सभी ने देखिए अपने स्कूल के समय में कबीरदास जी को तो बहुत पढ़ा है। बिल्कुल पढ़ा है ना, तो उनका एक दोहा याद आ रहा है। कौन सा दोहा? पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। क्या बात है, बिल्कुल रेणु जी ये बात तो है। सिर्फ किताबें पढ़ने से जिंदगी की समझ नहीं आती। अब देखिए ना, इसलिए तो निदा फाजली साहब फरमाते हैं कि धूप में निकलो घटाओ में नहा कर देखो। क्या बात, धूप में निकलो घटाओ में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। यानी किताबें पढ़ने से नहीं बल्कि किसी का चेहरा पढ़ने से उसके दिल का हाल मालूम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप रेणु जी। फेस रीडिंग तो अपने आप में एक आर्ट है जी, सभी को सीखनी चाहिए ताकि किसी के दिल का हाल बिना पूछे ही पता चल जाए। Thank you.
हम तुमको सिखाएगा शौबक प्रेम का शौबक सिखाएगा हम तुमको। ये बात क्या हुई, ये क्या बात हुई श्याम जी, वो कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा। फिर कौन कह रहा है? ऐसी ही बातें इस अंदाज में शम्मी कपूर साहब ने कही हैं शर्मिला टैगोर जी को फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस में एक सुपरहिट सॉन्ग से ठीक पहले। ओह कमाल है, आपने तो डरा दिया। वैसे श्याम जी, इस फिल्म के सभी गाने एक से बढ़कर एक हैं। आप किस बात की चर्चा कर रहे हैं? वही गाना जिसकी झलक फिल्म के क्लाइमेक्स में भी बजती है। साया मैं तेरा, तेरे साथ साथ
आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक दिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे वो जाना, कहो प्यार है तुमसे, कहो प्यार है तुमसे वो जाना, कहो प्यार है तुमसे, कहो प्यार है तुमसे, कहो प्यार है तुमसे, कहो प्यार है तुमसे, वो जाना, कहो प्यार है तुमसे। श्रोताओं, हम तो चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में हमेशा प्यार और रोमांस बरकरार रहे, और हम प्यारे प्यारे गीत और मीठी मीठी बातें लेकर यूं ही हाजिर होते रहें। आज का सफर बस यहीं तक, और दीजिए इजाजत रेणु चतुर्वेदी और जी श्याम को। स्वीकार कीजिए, नमस्कार, नमस्कार।